हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। जैसा कि अंकुर सर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम पज़ल और सिटिंग की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, 50 पज़ल्स की। उसी की एक सीरीज़ में आज हम टॉप 50 पज़ल्स में से अपना सेट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे और ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन लो लेवल के होंगे। मॉडरेट टू आपके पास में हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। इसलिए ये पॉइंट आउट किया गया है, इसलिए आपको ये बताया गया है कि हमारे पास जो पज़ल और सेटिंग का कॉम्बिनेशन होगा वो टॉप 50 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें इन दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पज़ल और सेटिंग के ही हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन में मेरे को सबसे पहले कहा गया है, इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट सिटीज़। देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रही है, उसके अंदर क्या बात की गई है, 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं तो उनके नाम गिवन होंगे हमें, तो उनके नाम हो गए एक कैटेगरी। ठीक है, सेकंड बोल रहा है 5 डिफरेंट सिटी, सिटीज़ के नाम आ गए यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्टूडेंट हैं ये डिफरेंट स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, तो थर्ड हमारे पास वेरिएबल ये हो गया। और ईच स्टूडेंट जो है डिफरेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांच में पढ़ता है, तो ये 4 हो गए हमारे पास में। तो ये 4 तो हमारे पास में हो गए, और यहाँ कहीं भी हमारे पास में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। लेकिन जब आप अपनी फर्स्ट नंबर की कंडीशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास में हॉस्टल भी दिए हुए हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये 5 वेरिएबल क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन की कैटेगरी थोड़ी सी अच्छी मानी जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन को पिक करने का तरीका क्या होगा ये भी देख लेते हैं जरा हम। इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं कंडीशन नंबर 1 पे आऊँगा तो दिया हुआ है अभिषेक डज नॉट स्टे इन अरावली होटल। अच्छा, हॉस्टल जो दिए गए हैं, जरा ये पूरे क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो, क्या टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल भी 5 हैं? तो देखो, पहला हॉस्टल तो हमें यहाँ मिल गया अरावली। ठीक है, सेकेंड अगर मैं चेक करूँ तो सेकेंड हॉस्टल जो है मेरे पास वो सतपुरा है। ठीक है, और जो थर्ड में चेक करूँ तो मेरे पास जो थर्ड का अपने पास में हॉस्टल है दैट इज़ यहाँ तक तो हमारे पास में कोई और नहीं है। उसके अलावा यदि मैं यहाँ बात करता हूँ तो इस पूरे के अंदर, क्योंकि मेरे को मेरा डेटा इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा और आखिरी जो मेरे पास में है ये है ये वाला, और कोई मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो विंध्या हॉस्टल, उसके अलावा सतपुरा हॉस्टल और एक अरावली हॉस्टल, 3 हॉस्टल हमें यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, अब जरा मैं हॉस्टल 3 दिए हुए हैं तो जो मेरे पास वेरिएबल कम है मैं उससे ही अपनी पजल को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अपने इन हॉस्टल की कैटेगरी बना देता हूँ। यहाँ पे पहला मेरे पास जो हॉस्टल मेरे को यहाँ दिया हुआ है दैट इज़ अरावली। जो भी कंडीशन होगी मैं उसको लेता हुआ यहाँ चलूँगा। अरावली हॉस्टल हो गया मेरे पास में फर्स्ट। सेकंड जो मुझे दिया हुआ है दैट इज़ विंध्याचल, या फिर सॉरी विंध्या, विंध्या जो है मेरे पास विंध्या हॉस्टल। ठीक है, और जो थर्ड मुझे दिया हुआ है दैट इज़ सतपुरा, सतपुरा। ठीक है, तो ये मेरे पास में 3 हॉस्टल की कैटेगरी हैं और टोटल मेरे पास में 5 लोग हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किन्हीं 2 के अंदर तो 2 जाएंगे और किसी एक के अंदर एक आएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे दी नहीं हुई है, लेकिन 3 को डिस्ट्रीब्यूट इसी तरीके से किया जा सकता है। फिर भी जरा हम एक बार चढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन चेक करूँ तो देखो ओनली की कंडीशन एक जगह आई हुई है। ओनली कंडीशन क्या आई हुई है, ओनली स्टूडेंट अमंग द 5, 5 में से केवल एक स्टूडेंट कहाँ रहता है, सतपुरा हॉस्टल के अंदर रहता है। ये कंडीशन आ गई मेरे पास में। ठीक है, अगली अगर एक और मैं कंडीशन यहाँ चेक करना चाहूँ तो मेरे को एक और कंडीशन यहाँ पे नीचे दी हुई होनी चाहिए जिसके अंदर बचे हुए 2 की बात की जानी चाहिए। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है, दे आर द ओनली टू अमंग द 5 स्टूडेंट। इसका मतलब ये कौन से की बात कर रहा है, ये अरावली हॉस्टल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सतपुरा वो है जो सिंगल पर्सन रखता है अपने अंदर, और अरावली और विंध्या वो 2 हैं जो अपने अंदर 2 रखते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हीं दोनों की डिस्कशन करते हुए यहाँ पे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ कि अरावली के अंदर की कंडीशन में मेरे पास में 2 हैं। ठीक है, विंध्या की अगर मैं बात करूँ तो विंध्या के अंदर भी 2 हैं, और जब मैं सतपुरा की बात करता हूँ तो सतपुरा में भी मेरे पास में 1 है।
यहाँ तक बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तक मेरे बात क्लियर है, तो अब क्या क्या चीज़ें बचती हैं मुझे वही डिस्कस यहाँ करनी है। तो देखो, जो चार चीज़ें बच रही थी जिसके हमने इन्फॉर्मेशन में जिक्र किया था, वही चार चीज़ें हमें यहाँ लेनी है। उसमें से पहली हमारे पास थी सिटी, तो यहाँ पे मैं एक बार सिटी मेंशन कर लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे सिटी चाहिए एक तो, ठीक है। सेकंड मुझे यहाँ क्या चाहिए, तो सेकंड मुझे यहाँ चाहिए उनके कॉलेजेस की ब्रांचेज, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांच हैं, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ ब्रांचेज, ठीक है। उसके अलावा मेरे को क्या चाहिए, उसके अलावा उनका दिया हुआ था कि एक्टिविटी कौन सी करते हैं, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ एक्टिविटी, ठीक है। और उसके अलावा जो मुझे चाहिए था, उसके अलावा उन्होंने दिया हुआ था उनके नेम, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ मेंशन कर देते हैं उनके नेम। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में दिया हुआ है, कंडीशन नंबर वन पे आते हैं। देखो, कंडीशन में दिया हुआ है अभिषेक डज नॉट स्टे इन अरावली होटल। यहाँ तक क्लियर है। अगर अभिषेक अरावली होटल में नहीं स्टे करता, इसका मतलब ये जो अभिषेक मुझे दिया हुआ है, ये कौन से दो हॉस्टल में स्टे कर सकता है, या तो सतपुरा में कर सकता है या फिर विंध्या में कर सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात। चलिए आगे क्या कह रहा है, अभिषेक जो है वो अरावली में नहीं है। वेयर द स्टूडेंट फ्रॉम द नागपुर स्टे, इसका मतलब क्या है, वेयर मतलब कहाँ, अरावली होटल में अभिषेक तो नहीं है, लेकिन अरावली होटल में कौन स्टे करता है, तो अरावली होटल में स्टे करता है जो नागपुर वाला व्यक्ति है। कौन स्टे करता है, जो नागपुर वाला व्यक्ति है, ठीक है। चलिए अगली कंडीशन हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इतना तो हम बना ही लेते हैं, अरावली हमारे पास में है ही, तो यहाँ पे जो अरावली है मेरे पास में, उसकी मैं सिटी यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो नागपुर वाला व्यक्ति है वो अरावली में है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा नागपुर। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। अब देखो, जो हमारे पास में अभिषेक है, या तो वो विंध्या के अंदर आ सकता है या फिर सतपुरा में आ सकता है, ये हम अपने दिमाग में कंसीडर करके रखेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन मेरे हिसाब से यहाँ तक की कंडीशन फॉलो हो चुकी है। अगली कंडीशन पे आते हैं, द स्टूडेंट हुज नेम इज नॉट अभिषेक, वो व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक नहीं है, और एंड डज नॉट स्टडी इन मेटलर्जी, वो व्यक्ति जो मेटलर्जी में काम नहीं करता, ठीक है। मतलब वो स्टूडेंट जिसका नाम अभिषेक नहीं है और जो मेटलर्जी में भी नहीं पढ़ता, स्टे इन सतपुरा हॉस्टल, मतलब बात समझ में आ गई। इसका मतलब अभिषेक सतपुरा हॉस्टल में नहीं है, तो अभिषेक कौन से में होगा, जब अभिषेक अरावली में नहीं है, अभिषेक सतपुरा में नहीं है, तो इसका मतलब अरावली में, सॉरी विंध्या में कौन हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। तो मैं यहाँ किसको बैठा देता हूँ, अभिषेक को यहाँ में बैठा देता हूँ। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो गई होगी कि अभिषेक कहाँ आ जाएगा, अभिषेक आ जाएगी विंध्या के अंदर। चलिए अगली कंडीशन पे आते हैं फिर हम अपनी। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि सतपुरा हॉस्टल के अंदर की बात हो गई, अब आगे क्या कह रहा है, ही इज द ओनली स्टूडेंट अमंग द फाइव, किसके अंदर, सतपुरा हॉस्टल में केवल एक है, जो कि हम बात कर चुके थे, तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास में क्लियर है। चलिए अगली कंडीशन पे आते हैं। अगली कंडीशन बोल रही है कि जो हरदीप है, नाइदर बिलोंग्स टू जोधपुर नॉर डज ही स्टडी इन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच में काम नहीं करता वो, मैकेनिकल में भी काम नहीं करता वो, और वो जोधपुर में भी नहीं रहता। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम हरदीप की बात कर रहे हैं। तो जो बात मैं हरदीप की कर रहा हूँ, तो हरदीप की बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम हरदीप के बारे में लिख देते हैं, ये जो हरदीप है, ये पहली बात तो जोधपुर का नहीं है, और दूसरा ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का भी नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, तो जहाँ पे भी होगा मैं इस कंडीशन को अप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास कौन सी कंडीशन भी क्लियर हो गई, थर्ड कंडीशन भी मेरे पास में क्लियर हो चुकी है। फोर्थ कंडीशन पे आते हैं, द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ कल्चर एक्टिविटी, वो व्यक्ति जो कल्चर एक्टिविटी का इंचार्ज है, स्टे इन अरावली होटल, वो कौन से होटल में रहता है, अरावली होटल में रहता है। वेयर सिविल इंजीनियरिंग स्टडी जो स्टूडेंट है डज नॉट स्टे, जहाँ पे सिविल इंजीनियर नहीं रहता। अच्छा, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई कि सिविल इंजीनियर अरावली में नहीं रहता और कल्चरल एक्टिविटी वाला अरावली में रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अरावली में वो व्यक्ति रहेगा जो कि कल्चरल एक्टिविटीज करता है, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज वाला आदमी आएगा। ये बात समझ में आ गई, एक तो कल्चरल वाला होगा और दूसरा एक और होगा, वो हमें अभी हमें नहीं पता। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कह रहा है उसने, दूसरी बात ये कही है हमें कि यहाँ पे हमारे पास में कल्चरल एक्टिविटी हो गया और एक सिविल इंजीनियरिंग वाला अरावली में नहीं है। अब देखो, सिविल इंजीनियर यदि अरावली में नहीं है तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो सतपुरा में हो सकता है, एक विंध्या में हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में सिविल वाला हो सकता है, ये ध्यान रखना।
चलिए, तो यहाँ इसको हम मेंशन कर देते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग वाला जो व्यक्ति होगा वो या तो सतपुरा में आएगा या फिर वो विंध्या में आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, अगली कंडीशन पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको सबको? चलिए, संजय एंड द स्टूडेंट हुज स्टडी जो स्टडी किस समय करता है, मेटलर्जी में, बोथ स्टे इन द सेम हॉस्टल। अब देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है, क्योंकि संजय के साथ साथ मेटलर्जी वाला जो है ये दोनों सेम हॉस्टल में स्टे करते हैं। तो देखो ये कंडीशन दोनों में ही बन सकती है, संजय और मेटलर्जी वाला। देखो संजय यहाँ पे भी आ सकता है क्योंकि नाम अभी हमें क्लियर नहीं है, और मेटलर्जी वाला भी यहाँ पे भी आ सकता है। तो अभी हमें कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि संजय एंड मेटलर्जी ये जो हैं ये सेम हॉस्टल में हैं। ठीक है, ये सेम हॉस्टल में, याद है, क्लियर है? संजय और मेटलर्जी वाले सेम हॉस्टल में हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। द स्टूडेंट हु बिलोंग टू अलाहाबाद, जो स्टूडेंट अलाहाबाद से बिलोंग करता है, डज नॉट स्टे विद द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ द स्पोर्ट एक्टिविटी स्टे इन। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि अरावली हॉस्टल में एक स्पोर्ट एक्टिविटी वाला पर्सन भी रहता है। स्पोर्ट एक्टिविटी वाला पर्सन कहाँ रहता है? अरावली में। और उसके साथ कौन नहीं रहता? द स्टूडेंट हु बिलोंग टू अलाहाबाद। अलाहाबाद वाला जो है डज नॉट बिलोंग विद द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटी स्टे एट अलावली होटल। जो अरावली हॉस्टल में रहता है उसके साथ नहीं रहता। इसका मतलब अरावली में हम कल्चरल को रख चुके थे, ध्यान है आपको? यहाँ पे कौन भी आ जाएगा? स्पोर्ट भी आ जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। स्पोर्ट और कल्चरल का कॉम्बिनेशन पता लग गया कहाँ पे आएगा। अब देखो कौन कौन से कल्चर ऑप्शन हमारे पास, एक्टिविटी तीन बची हैं, तीन जगह बची हुई हैं हमारे पास। ठीक है, और एक चीज जो अलाहाबाद है वो भी अरावली में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या कहा गया है? देखो यहाँ तक की कंडीशन क्लियर हो चुकी है, अगले आते हैं। संजय इज नॉट इज इंटरेस्टेड, देखो संजय इज नॉट दी स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। संजय कल्चरल एक्टिविटी का स्टूडेंट इंचार्ज नहीं है। तो देखो संजय कहाँ नहीं आ सकता? कल्चरल एक्टिविटी में नहीं आ सकता संजय। इसका मतलब जब भी कोई कंडीशन मेरे पास में बचेगी कल्चरल एक्टिविटी की, उसके साथ में संजय को नहीं बैठा सकता। अगली कंडीशन क्या कह रही है? रवि द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ मास एक्टिविटी स्टेट। अच्छा देखो, सतपुरा में पहली बात तो एक ही बैठना था, ठीक है, और वो मुझे पता लग गया कि वो कौन है, रवि, और वो कौन सी एक्टिविटी करता है? मास एक्टिविटी करता है। तो रवि मास एक्टिविटी के साथ सतपुरा में बैठता है, तो सतपुरा क्लियर हो गया। यहां से अगर मैं नाम की बात करूं तो यहाँ नाम किसका आ जाएगा? रवि का आ जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी क्या हो जाएगी? मास एक्टिविटी हो जाएगी, सॉरी मैस एक्टिविटी हो जाएगी, मास नहीं, सॉरी मैस एक्टिविटी की बात हो जाएगी। ठीक है, रवि का नाम आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अगली कंडीशन आते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या कह रही है? अगली कंडीशन, यहाँ तो रवि तक की कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन कह रही है द स्टूडेंट फ्रॉम पटना एंड द स्टूडेंट हु स्टडीज मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ हमने अभी मैकेनिकल की बात करी थी, हरदीप नहीं है। ठीक है, द स्टूडेंट फ्रॉम पटना एंड द स्टूडेंट हु स्टडीज मैकेनिकल बोथ स्टे एट अरावली हॉस्टल। बात समझ में आ गई? पटना और मैकेनिकल वाले दोनों कहाँ रहते हैं? अरावली में। अच्छा, अरावली में एक नागपुर आ गया था, ठीक है, तो अरावली में दूसरा कौन हो जाएगा? पटना। बात समझ में आ गई? अरावली में दूसरा कौन हो जाएगा? पटना। अब कौन से दो की बात करी है? इन दो की बात करी है कि पटना वाला और हु स्टडीज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों ही अरावली में रहते हैं। तो इसका मतलब पटना वाला तो आ ही गया, तो नागपुर वाले की ब्रांच क्या हो गई? मैकेनिकल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नागपुर वाले की ब्रांच क्या हो गई मेरे पास में? मैकेनिकल ब्रांच हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कल्चरल स्पोर्ट के बारे में नहीं पता, नाम के बारे में अभी नहीं पता। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक की बात होने के बाद दे आर द टू हु अमंग द फाइव स्टे एट दिस हॉस्टल। ये क्लियर हो गई बात? आगे आ जाओ। द स्टूडेंट हु स्टे एट सतपुरा हॉस्टल स्टडी कंप्यूटर साइंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया कि सतपुरा का कंप्लीट कर दिया उसने अपने आप में, कि सतपुरा जो है वो कंप्यूटर साइंस में काम करता है या पढ़ता है। तो देखो सतपुरा की ब्रांच जो आ गई वो कौन सी आ गई? कंप्यूटर साइंस। यहां तक क्लियर हो गई होगी बात? कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब इसका क्या बचा है? नाम हो गया इसका, एक्टिविटी हो गई, ब्रांच हो गई, केवल सिटी बची है सतपुरा की। ठीक है, तो सतपुरा हॉस्टल की केवल सिटी हमारे पास में बची है, ये कंडीशन भी हो गई हमारे पास में। चलिए आगे आते हैं। अब हेमंत एक नया व्यक्ति आया है, हेमंत हु डज नॉट बिलोंग टू कोची। हेमंत कोची से बिलोंग नहीं करता, ये हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं।
जो हेमंत व्यक्ति है वो हेमंत कोची से बिलोंग नहीं करता, ये बाद में हमें काम आएगा, ठीक है। स्टडी पर वो किस में पढ़ता है, केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन ये पढ़ता है किस में है, केमिकल इंजीनियरिंग में ये पढ़ता है, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में ये पढ़ता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हेमंत की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेमंत केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता है, आ गया जो हेमंत केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है, ही इज नॉट द जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट बॉडी, स्टूडेंट बॉडी का जनरल सेक्रेटरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट बॉडी का जनरल सेक्रेटरी मतलब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कल्चर और स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई, मैथ्स एक्टिविटी हो गई, दो ही एक्टिविटी बचती हैं। दो एक्टिविटी कौन सी बचती हैं, एक तो जनरल सेक्रेटरी वाली बचती है, जनरल सेक्रेटरी वाली एक्टिविटी बचती है, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी कौन सी बचती है हमारे पास में, तो देखो अभी तक हमें पता नहीं लगा है, लेकिन अब हम जब वो ऊपर आएंगे लग जाएगा। तो एक एक्टिविटी हमारे पास में ये देखो, ये दिखा हुआ प्लेसमेंट एक्टिविटी बचती है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी कौन सी बची, वो यहीं आएगी, ये आ जाएगी प्लेसमेंट एक्टिविटी, ये दोनों यहाँ पे आएंगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सी किसके साथ में होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास बात कर दी थी कि जनरल सेक्रेटरी वाली पोस्ट नहीं है हेमंत के पास, ठीक है। चलिए, यहाँ से मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ कि जनरल सेक्रेटरी वाली पोस्ट नहीं है, जीएस वाली पोस्ट नहीं है किसके पास, हेमंत के पास में। अगली कंडीशन पे आते हैं, यहाँ तक क्लियर है। रवि एंड संजय डज नॉट बिलोंग टू इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन बिलोंग नहीं करता, रवि और संजय, रवि और संजय, रवि हो गया, इसका मतलब इलाहाबाद तो यहाँ आ नहीं सकता सिटी के अंदर, ठीक है। संजय का मुझे अभी पता नहीं क्योंकि नाम क्लियर नहीं है यहाँ पे, संजय कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इलाहाबाद अरावली में नहीं था, ठीक है, और इलाहाबाद रवि के पास भी नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। तो इलाहाबाद ले दे के कहाँ जाएगा, इलाहाबाद ले दे के विंध्या के अंदर जाएगा, तो ये मेंशन कर लो। देखो अभी भी उसने थोड़ी देर पहले ही कहा था इलाहाबाद अरावली में नहीं है, ठीक है, और अभी अभी उसने कह दिया कि रवि जो कि सतपुरा में है वो भी अलाहाबाद, वो भी कहाँ का नहीं है, इलाहाबाद का नहीं है, और संजय की बात अभी उसने करी थी, तो संजय की बात यहाँ करी थी, संजय और मेटलर्जी वाला सेम में है और संजय इलाहाबाद नहीं है, तो मेटलर्जी और संजय सेम में है तो कहाँ आएंगे ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। रवि और संजय डज नॉट बिलोंग्स टू द इलाहाबाद, ये क्लियर हो गई बात, चलिए आगे। द स्टूडेंट फ्रॉम कोची एंड द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ प्लेसमेंट एक्टिविटी बोथ एट विंध्या हॉस्टल, ये बात क्लियर हो गई। कोची और प्लेसमेंट एक्टिविटी कहाँ आएंगे, विंध्या में, तो विंध्या के अंदर कोची और प्लेसमेंट एक्टिविटी आ गए, ये बात क्लियर हो गई। तो देखो अभी को अभी मेरे को नहीं पता कहाँ है, लेकिन एक बार के लिए मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि कोची के अलावा कौन सा आ गया हमारे पास में, कोची और प्लेसमेंट, कोची और प्लेसमेंट दोनों कहाँ आएंगे, यहाँ पे विंध्या में, तो मैं कोची थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट एक्टिविटी हो गई तो प्लेसमेंट एक्टिविटी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अभी अभी को आप रहने दो, अभी दोनों जगह अभी आ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी अभी लिख देता हूँ और नीचे भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में जनरल सेक्रेटरी की बात की जा रही थी, तो प्लेसमेंट अगर नीचे है तो जनरल सेक्रेटरी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये दो ही आ सकते हैं, ठीक है। और जनरल सेक्रेटरी कौन नहीं हो सकता, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हेमंत जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सकता, तो हेमंत नहीं हो सकता तो जनरल सेक्रेटरी किसको होना पड़ेगा, अभी को होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हेमंत अगर जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सकता तो हेमंत कहाँ जाएगा, फिर प्लेसमेंट वाली कैटेगरी में जाएगा, यहाँ तक बात क्लियर है। हेमंत कहाँ जाएगा, प्लेसमेंट वाली कैटेगरी में चला जाएगा। क्यों बोला ऐसा हमने, क्योंकि हेमंत जो है वो केमिकल इंजीनियर है, कोची में नहीं है, ठीक है, और जनरल सेक्रेटरी कोची में नहीं है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है, इसका मतलब ये विंध्या की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी आपको डिफाइन करी हुई है कि जो हेमंत है उसकी कैटेगरी कहाँ डिफाइन की हुई है, सेकंड में, इसका मतलब वो कहाँ चला जाएगा, इसमें नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अभी आ जाएगा और यहाँ हेमंत आ जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इलाहाबाद की पोजिशन बता दी, अगर ये कोची है तो इसको क्या हो जाना पड़ेगा, इलाहाबाद हो जाना पड़ेगा, यहाँ तक भी सबको समझ में आना चाहिए। और हेमंत कौन सी साइंस पढ़ाता है, तो हेमंत केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो यहाँ हेमंत क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो ये केमिकल इंजीनियरिंग हो जाएगी। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर है, कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, अब क्या बचता है, मेटलर्जी बचता है। अच्छा, मेटलर्जी की अभी अभी एक कंडीशन थी कि मेटलर्जी और वो दोनों साथ साथ होंगे, लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा हुआ था अभी अभी देख लेते हैं। देखो संजय और मेटलर्जी सेम जो हॉस्टल है उसके अंदर होंगे, तो संजय और मेटलर्जी अगर सेम हॉस्टल के अंदर होंगे तो यहाँ पे तो संजय आ नहीं सकता, तो
संजय कहाँ जाएगा? ऊपर। और मेटलर्जी, मेटलर्जी यहाँ मैकेनिकल ऑलरेडी है, तो मेटलर्जी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो मेटलर्जी तो यहाँ आ जाएगा, ये कौन सा हो गया हमारे पास में? मेटलर्जी हो गया, ठीक है। और संजय और मेटलर्जी है, तो संजय नाम ऊपर वाले का हो जाएगा और मेटलर्जी नीचे वाले का हो जाएगा। नाम पांच में से चार हमें मिल चुके हैं, एक नाम कौन सा बचा था? अभी अभी हमने पढ़ा था हरदीप, हरदीप पढ़ा था। हरदीप जो है वो जोधपुर में नहीं है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है। तो देखो मैकेनिकल है भी नहीं, वो कौन सी है? मेटलर्जी। तो यहाँ कौन आ जाएगा? हरदीप। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर होगी, नाम मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब केवल एक ही डिपार्टमेंट बचा है ब्रांचेस के अंदर, तो और वो कौन सा बचा है? सिविल। और सिविल को आना भी यही था, क्योंकि तो सिविल की एक कंडीशन भी थी, अगर आपने देखी हो तो। क्या कंडीशन थी सिविल की? कि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो सतपुरा या विंध्या में से होंगे, और विंध्या में वो आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास सिटी हैं चार आ चुकी हैं, केवल एक सिटी बची है जोधपुर। और जोधपुर का भी डिस्कशन थोड़ी देर पहले हमने यहाँ किया था कि जोधपुर की कंडीशन क्या कह रही थी। तो जोधपुर की कंडीशन पे हम आएंगे अभी, पहले नाम हम यहाँ पे जोधपुर का मेंशन कर देते हैं कि जो जोधपुर है वो सतपुरा में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सतपुरा क्लियर है, यहाँ पे ये दोनों क्लियर हैं। अब एक्टिविटी में दो ही बचे हैं, कल्चरल और स्पोर्ट्स। तो कल्चरल और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर देखो यहाँ पे हमें अगर डिफाइन करना है तो हमें चाहिए पड़ेगा कि कल्चरल और स्पोर्ट्स के अंदर क्या है। तो देखो संजय के लिए कंडीशन हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी कि संजय जो है वो कल्चरल में नहीं हो सकता। तो अगर संजय कल्चरल में नहीं है, तो कल्चरल में किसको होना पड़ेगा? कल्चरल में होना पड़ेगा हरदीप को, ठीक है। इसका मतलब संजय किसके अंदर आ जाएगा? स्पोर्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो गई होगी, और ये हमारे पास में यहाँ पे चार्ट बन के प्रिपेयर हो चुका है कि कौन सी कंडीशन किसके लिए है, कुछ भी नहीं छूटा है यहाँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। और एक बार आप खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बहुत अच्छा रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है। देखो द केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ कल्चरल, केमिकल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट, ठीक है, और कल्चरल एक्टिविटी, बोथ स्टे इन द सेम हॉस्टल। तो देखो जहाँ कल्चरल था उसके अंदर केमिकल का नाम कहीं भी नहीं आया था, कल्चरल इसमें था कहीं भी केमिकल का नहीं था। इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया, इसका मतलब पहला वाला गलत है, इनकरेक्ट ही पूछा है। तो पहला हो गया, एक तो हमारा आंसर भी पहला हो जाएगा। एक तो द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ प्लेसमेंट एक्टिविटीज स्टैंडर्ड मेटलर्जी, प्लेसमेंट वाला मेटलर्जी में है क्या? तो प्लेसमेंट वाला मेटलर्जी में है क्या ये हमें बताना है। थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ कि प्लेसमेंट और मेटलर्जी सेम है क्या। प्लेसमेंट के साथ में केमिकल है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया है? गलत हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट हु बिलोंग टू नागपुर इज स्पोर्ट एक्टिविटी में है क्या? नागपुर वाला तो ऐसा कुछ था, हमने देखा भी था। तो हाँ स्पोर्ट वाला है क्या? तो देखो स्पोर्ट वाला नागपुर में है क्या? बिल्कुल स्पोर्ट वाला नागपुर में, इसलिए तीसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट बताना है। और रवि बिलोंग्स टू जोधपुर, ये मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये सत्रह में थे, तो रवि बिलोंग्स टू जोधपुर है क्या? बिल्कुल, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो रही होगी, क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? क्या अब ये आप बता सकते हो ना इजीली कौन सा सही है कौन सा गलत? मेरे हिसाब से मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जब हमारी पजल ही सॉल्व हो गई है तो, ठीक है। द स्टूडेंट हु बिलोंग टू अलाहाबाद इज स्टडी इन, ये भी आप बता सकते हो। और द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट बॉडी टू किस जगह से बिलोंग करता है वो जनरल सेक्रेटरी, ये भी बता सकते हो। और हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू नागपुर, ये भी बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक की कंडीशन सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन अच्छा था, एक बार खुद के लेवल पे ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं बनता है तो फिर आप इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं जो कि हमने किस तरीके से किया था। चलिए फिर आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी पावर हैं, उससे ही हमें अच्छा लगता है कि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और पजल और सेटिंग अरेंजमेंट और DI और जो कुछ भी हम मेहनत करते हैं वो करने की हमें पावर आती है, ठीक है। केवल आपके सपोर्ट के कारण ही हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करने की। तो प्लीज़ अपने सपोर्ट को बनाए रखिए और उसे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।